अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने पीएमसी का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि पीएमसी की सिलेबस में मेंशन है, और वो है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और उसका हम पहला पार्ट करेंगे, दैट इज़ द एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला पार्ट ये होगा, दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होगा, और तीसरा हमारा जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, रेस्पिरेशन के ऊपर होगी बात, या गैसेस एक्सचेंज के ऊपर बात होगी। सेलुलर नहीं, सेलुलर हम कर चुके हैं, अब हम ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लर्निंग आउटकम्स जो पीएमसी की सिलेबस में मेंशन है वो कौन से हैं, डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स प्लांट्स, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स इन डाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्निवोर्स प्लांट्स के बारे में। तो कार्निवोर प्लांट्स के अंदर सबसे पहला प्लांट है, दैट इज़ द पिचर प्लांट। पिचर प्लांट का एक जो नाम है, दैट इज सेरासिनिया पुपुरिया। एंड इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। ये लीव्स मॉडिफाइड इन टू सैक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास डायग्राम है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, दैट इज़ द पिचर प्लांट। और इसके लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं सैक के अंदर या पिचर के अंदर, एक घड़े की तरह। घड़े को पिचर कहते हैं, वो जो आपने देखा होगा कि पानी से भर के रखा जाता है गर्मियों में, पहले फ्रीज़र नहीं होते थे तो उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। पार्टली फिल्ड विद वाटर। एंड वीनस फ्लाई ट्रैप को हम कहते हैं डाइनिया मस्किपुला। देखिए यहाँ पे ये पानी से आधा या पूरा फिल हुआ होता है, और इसके अंदर जैसे इंसेक्ट्स कोई आते हैं तो उसके अंदर वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद पानी असल में स्टिकी होता है और वो इसके अंदर डूब जाते हैं। डूबने के बाद इसका प्रोटीन वाला पार्ट और सारे जो पार्ट्स होते हैं, वो प्लांट जो होता है वो डिफरेंट एंजाइम्स क्रिएट करता है। कुछ एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाते हैं। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर एंजाइम की जगह पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप, डाइना मस्किपुला हम इसको कहते हैं, और लीफ बाई लोबना है। यहाँ पर आप देखें, ये दोनों ही डाइना मस्किपुला हैं, ये भी और ये भी। तो हम कहते हैं कि लीफ बाईलोब्ड है, जिसके दरम्यान में मिडरिब है, और स्टिफ हेयर्स ऑन द मार्जिन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिफ हेयर्स हैं मार्जिन के ऊपर। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रेड ही है। तो चलिए जी, हम यहाँ पे आते हैं वापस। तो जो ये है, ये इसकी मिडरिब है, और ये इसके साइडों पे स्टिफ हेयर्स हैं। और स्टिफ हेयर्स ऑन द मार्जिन्स व्हेन एन इंसेक्ट टचेस, तो स्टिफ हेयर्स क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, और यहाँ पे जब कोई इंसेक्ट्स आता है तो ये फ़ौरन बंद, जैसे किताब बंद होती है बिल्कुल इस तरह। और फिर इंसेक्ट्स बेचारा भाग भी नहीं सकता। अब वो इंसेक्ट्स आते कैसे हैं, ड्यू टू देयर नेक्टर और ड्यू टू देयर स्मेल, मोस्टली नेक्टर की वजह से आते हैं। अब इसमें भी सेम काम ही होगा कि वो इंसेक्ट डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं सनड्यू या ड्रोसरा इंटरमीडिया, इसके साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं, यही इसके बारे में हम सीख उतार जाता है। लीव कंटेन हेयर लाइक टेंटिकल्स, ईच विद ग्लैंड्स एट इट्स टिप्स। ठीक हो गया जी, इंसेक्ट्स इंटेंगल्ड बिटवीन द सनड्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके दरम्यान में बिल्कुल बहुत ही ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, और इस तरह जब कोई इंसेक्ट आएगा तो वो दोनों के दरमियान में ट्रैप हो जाएगा, और इस तरह से फूड डाइजेस्ट कर लिया जाएगा उसके अंदर। देन हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर सॉरी रेस्पिरेटरी कह दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरे एसेसरी ग्लैंड हो सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या हो सकता है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं जी, पहला ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन एसोफेगस, देन स्टमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके तीन पार्ट्स होते हैं ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं सीकम, फिर कोलोन, कोलोन के आगे फिर तीन टाइप्स होती हैं, एक को हम असेंडिंग, एक को ट्रांसफर्स और एक को डिसेंडिंग, और आगे सिग्मॉइड आती है। इस तरह से हम कहते हैं रेक्टम इसके बाद आती है। तो अब हम देख लेते हैं एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन करते हैं, हमारी ओरल कैविटी में होते हैं, देन लिवर आ जाता है, पैंक्रियाज होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्टमक के अंदर बन रहे होते हैं या फिर
जिन्होंने पेप्सिन बनाना होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेशन इन द ओरल कैविटी कैसे स्टार्ट होती है, अब हम इस पे जाते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ओरल कैविटी के अंदर किस तरह से डाइजेशन होती है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड की जाती है, यानी कि फूड को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको टेस्ट अच्छा ना आ रहा हो, आपको टच उससे हार्ड फील हो रहा हो, साइट देना देखने में बाद आप कहते हैं ना यार मेरा खाने खाने को दिल ही नहीं कर रहा, क्यों क्यों जी, क्योंकि मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, और कोई वजह नहीं होती। तो बाद दफ़ा अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो तब भी आप नहीं खाते। स्मेल, अगर स्मेल आ रही तो हम कहते हैं भाई नाक बंद कर लेते हैं, दूर से कहते हैं नहीं खाना खाना। तो सिलेक्शन ऑफ फूड हम इन सारी सेंसेस के जरिए कर रहे होते हैं। देन हमारा जो स्टेप आता है दैट इज़ अ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है जी, ग्राइंडर आपने देखा होगा किचन के अंदर, हर किचन में होता है। तो ग्राइंडर से क्या होता है जी, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ा जाता है। मैस्टिकेशन का क्या मतलब होता है, मैस्टिकेशन हम कहते हैं उसके अंदर एडिशन की जाती है थोड़े थोड़े स्लाइवा की, गीला किया जाता है, वेट किया जाता है, इसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन। तो ग्राइंडेड एंड मैस्टिकेशन बाय टीथ। तो अब ये टीथ क्या हो सकते हैं, मोलर एंड प्री मोलर, मतलब जो टीथ इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली वो आपके मोलर और प्री मोलर हो सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है, सिलेक्शन की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि अगर कोई हार्ड मटेरियल आ गया है तो आप वो एडजस्ट नहीं करेंगे, बॉडी आपके डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, तो इस तरह से नहीं होगा। तो अब इसका सिलेक्शन करने से क्या फ़ायदा होगा कि वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता, कोई पॉइजन हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह का आप नहीं खाएंगे ड्यू टू देयर टेस्ट। और ग्राइंडिंग का क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि एसोफेगस भी होती है ना नीचे, जिसको आप क्या कहते हैं फूड पाइप भी कहते हैं। तो ये फूड पाइप छोटी होती है बेचारी, इसके साइज़ के मैस को अगर हम करेंगे नवाले को तोड़ेंगे तो ये फ़ायदा होता है, सिंपली ईजी टू पास थ्रू द एसोफेगस एंड मोर सर्फेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। और इससे क्या होगा, छोटा छोटा करने से, फॉर एग्जाम्पल ये है और ये है, तो सरफेस एरिया एंजाइम एक्शन का इन पे ज़्यादा होगा, तो इस वजह से तोड़ने से सरफेस एरिया ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें लेस है और इसमें मोर है सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं थर्ड बात जो आती है वो लुब्रिकेशन है। लुब्रिकेशन वाटर के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक तो एंटीसेप्टिक होता है और एक पीएच की मेंटेनेंस के लिए हम इसको रिमूव करवाते हैं। कहाँ से, स्लाइवा, और स्लाइवरी ग्लैंड से एक अपना जो स्लाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस करता है उसको नाम, उसको हम कहते हैं टाइलिन। पी साइलेंट है, पटाया नहीं कहना, टाइलिन कहते हैं। और ये जो टाइलिन है, ये टाइलिन होता है कहाँ पे, टाइलिन होता है स्लाइवा के अंदर। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी के जो पैरोटिड ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है। अब ये सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स इनको हम कहते हैं, और ये वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ये वाले ग्लैंड्स एक्चुअल में डिफरेंट सेक्रेशंस कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्या होता है जी, कि डिफरेंट सेक्रेशन की वजह से ये फूड हमारी ईजीली डाइजेस्ट हो जाती होती है। तो हम कहते हैं जी, सबसे पहली बात तो ये कि स्लाइवरी ग्लैंड में से कौन से ग्लैंड है, सबसे पहले हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड, और ये कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स, ये देखिए इन फ्रंट ऑफ ईयर्स है। देन आता है सब मैंडिबुलर बिहाइंड द जॉ, अच्छा ये जो बिहाइंड द जॉ होता है इसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर, और ये एमाइलेज सेक्रेट करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, टाइलिन। अच्छा जी, जो हम कह सकते हैं कि एमाइलेज इन स्लाइवरी एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, और ये बिहाइंड द जॉ और म्यूकस भी यही प्रोड्यूस करता है। सब मैक्सिलरी जो होता है यहाँ पे देखिए, पैरोटिड भी एमाइलेज सिक्रीट करता है, सब मैक्सिलरी को सब लिंगुअल भी कहते हैं। लिंगुअल से याद रखें, जो क्या होगा हमेशा बिलो द टंग होगा, लिंगुअल से ये याद रखें, तो बिलो द टंग होगा, और ये म्यूकस सिर्फ सिक्रीट करता है। और एंड प्रोडक्ट अगर इसमें से अब सारे इनकी सिक्रीशन के बाद फूड अब जो होगा वो किस चेंज के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कि बोलस की फॉर्म के अंदर आ गया है फूड। तो नेक्स्ट अगर हम देखें स्वेलविंग के प्रोसेस को देख लें, तो कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, फर्स्ट इज़ वॉलंटरी एंड सेकंड इज़ इनवॉलंटरी, यानी कि जब हमारा स्वेलविंग माउथ के अंदर है तो हम कहते हैं कि ये वॉलंटरी पार्ट है, यानी कि टंग के ऊपर मौजूद है, जो टंग हमारी मूवमेंट होती है सारी वॉलंटरी मूवमेंट होती है, और इसके बाद वाली जो सारी मूवमेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं कि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होती हैं। तो इवेंट्स के कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड, टंग हम ऊपर की तरफ और बैकवर्ड पीछे की तरफ उनको घुमा रहे होते हैं, एक्चुअल में जुगाली कर रहे होते हैं,
तो ये वॉलंटरी है, ये आपके कंट्रोल में होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपको पैलेट होता है वो पुश अप एंड क्लोज द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी को बंद करना बेटा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका वो वाला जो फूड का नवाला है जिसको हमने पीछे क्या कहा है बोलस, तो वो वाला बोलस किस फॉर्म में चेंज हो, मतलब वो उस नाली के अंदर जा सकता है जिसकी वजह से आपको वो वाले किसके अंदर चला जाता है लंग्स वाली साइड पर जाएगा, तो ऑफकोर्स आपकी सांस लेने में मसला आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नेजल कैविटी को क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। इस तरह एपिग्लॉटिस बिकम्स लेस और मोर हॉरिजॉन्टल। अब होता है एक्चुअल में क्या है, आपने याद ये वाली बात रखनी है कि जब हमारे पास ये वाली बात हम देखते हैं, क्योंकि पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और फ्रंट साइड पे क्या होती है, फ्रंट साइड पे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ेंगे कि जो एपिग्लॉटिस होता है ना वो एक लिड होता है, और ग्लॉटिस क्या होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। नॉर्मली वो क्या होता है कि एपिग्लॉटिस जो होता है वो फ्लैप होता है और वो पड़ा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, जैसे ये मेरा पॉइंटर घूम रहा है इस जगह पे है, फॉर एग्जांपल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ी देर के लिए इधर आ जाता है और फिर वापस चला जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना कि खाना खाने के दौरान बोलना नहीं चाहिए, उसकी भी यही वजह होती है कि वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में खाना जा सकता है क्योंकि आपको ज़्यादा सांस तो चाहिए ना। एपिग्लॉटिस बिकम लेस और मोर हॉरिजॉन्टल, लैरिंग्स मूव्स अपवर्ड, जो लैरिंग्स होता है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है, और ग्लॉटिस इज पार्शली क्लोज्ड। ऑफ कोर्स ग्लॉटिस बंद होना चाहिए, पार्शली होगा क्योंकि सांस भी तो लेना है ना, और लैरिंग्स अपवर्ड क्यों मूव करता है, लैरिंग्स के अपवर्ड मूव करने की भी यही वजह होती है कि फूड उसके अंदर ना जाए। ग्लॉटिस जब क्लोज हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, तो एक्चुअल में हम कहते हैं अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड द पेरिस्टालसिस, और ये पेरिस्टालसिस जो होती है इसकी वजह से फूड जो होता है आपका वो कहाँ पे चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। इवन कि ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया कि कुछ लोगों के अंदर अगर वो उल्टा लटक जाएं तो फिर भी फूड इतनी, ये मूवमेंट इतनी तेज़ होती है, हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट इतनी तेज़ होने की वजह से ये ऊपर की तरफ ही गया फूड उनके अंदर भी। आप समझ रहे हैं इस बात को, तो हम कहते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उल्टे भी पड़े हैं तो आपकी जो डाइजेशन है वो नॉर्मल होगी, यानी कि आप आपका स्टमक ऊपर है और ओरल कैविटी आप उल्टे पड़े हैं तो उल्टे होने का भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये फिर भी आपका फूड ऊपर ही जाता है, और ग्रेविटी असिस्ट करती है। नॉर्मली हम चूँकि नॉर्मल तो इस कंडीशन में होते हैं तो ग्रेविटी इसको असिस्ट करेगी, और एंटी पेरिस्टालसिस हो जाती है जब आपके अंदर कोई कंडीशन आ जाती है या स्टमक के अंदर कोई मसला आ गया या कहीं पर भी, तो आपका इवन के बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी खाना वापस आ जाता है, और इसको हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, हम कहते हैं हंगर पैंग क्या होती है। अब हम देखते हैं कि पेरिस्टालिटिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय लो ब्लड ग्लूकोज फॉर 15 to 20 आवर्स कंडीशन विल बी द हंगर पैंग। देखिए, अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, आपने 15 से 20 घंटे खाना ही नहीं खाया, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी कहेगी भाई मेरी बस हो गई। इस कंडीशन को हम हंगर पैंग कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, हार्ट बर्न एंड पायरोसिस क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट। और ये कैसे होती है, ये या तो फैटी फूड को खा लें, बहुत ज़्यादा पराठे खा लिए जी आपने, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लिया, फ़िश ज़्यादा खा लिया जी सर्दियाँ थी, एसिडिक फूड खा लिए, या आपने बार बार लेज खा रहे हैं जी, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको क्या होती है पायरोसिस होती है, और इसको हार्ट बर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज़ द डाइजेशन इन स्टमक, और ये क्या होता है स्टमक हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इलास्टिक बैग होता है, पार्टली स्टोर्ड फूड फॉर डिसकॉन्टीन्यूअस फीडिंग। देखिए, अगर स्टमक ना हो तो आपकी फीडिंग जो हो वो डिसकॉन्टीन्यूअस, मतलब आपको कॉन्टीन्यूअस फीडिंग करना पड़े, ठीक है। अब ये क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि जब किसी को चाहिए तो तब उसको खाना दे दो बॉडी के सेल्स को तोड़ के। पार्टली डाइजेस्ट फूड और पार्टली स्टोर फूड, दोनों काम इसके हैं। लोकेशन क्या है जी, लोकेशन ये है कि ये डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम क्या होता है, मस्कुलर शीट होती है जो आपकी थॉरेक्स को आपकी एब्डोमेन से सेपरेट करती है, ठीक है जी। यानी कि लंग्स इसके फौरन ऊपर होते हैं और स्टमक इसके फौरन नीचे होता है, यहाँ पे आपका लीवर है और यहाँ पे स्टमक होता है। तो आगे क्या होता है जी, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज़ अ जे शेप्ड, तो ये जे शेप्ड होता है। और एट द स्टार्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
के स्टार्ट के ऊपर ये एक स्फिंक्टर मौजूद है, स्फिंक्टर यहाँ पे, इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं दैट इज़ द कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं कि हार्ट के करीब है, तो हम इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और इसके एंड पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। एट स्टार्ट कार्डियक स्फिंक्टर, एट द एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। प्रेजेंट वॉल्स ऑफ द स्टमक को अगर हम देख लें उसकी लेयर्स को, तो हम कहते हैं सिरोजा होती है, सिरोजा आउटर मोस्ट को कहते हैं, सब म्यूकोजा होती है मिडल, और म्यूकोजा होती है इनर मोस्ट। ठीक है, ये तीन तरह की लेयर्स होती हैं। म्यूकोजा आगे, म्यूकोजा के अंदर तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं, यानी कि जो इनर मोस्ट है उसके अंदर कुछ होते हैं म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, ठीक है जी, दूसरे होते हैं कुछ पेराइटल सेल्स, और आपने ये वाली बात याद रखनी है, और तीसरे होते हैं जी जाइमोजिन और चीफ सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल क्या करेंगे, दे सेल सेक्रीट थिक म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड कवर करता है इनसाइड द स्टमिक वॉल, क्योंकि बॉडी के अंदर एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है ना स्टमिक के अंदर, तो म्यूकस प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह से पेराइटल सेल्स क्या करते हैं, दी सेक्रीट एचसीएल, और ये मेंटेन द 2 पीएच। पीएच क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ के अंदर हमारे फूड के अंदर जो भी अपना बैक्टीरिया या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी पैथोजिन आ सकते हैं, तो उनको पीएच कम रखेंगे तो मर जाएंगे, इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि पैक्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म होती है, और इस इनएक्टिव फॉर्म से जो है एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी, ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म बनाई जा सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल। तो ये पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमिक बनाते हैं जो कि म्यूकोजा के अंदर मौजूद हैं इनर मोस्ट लेयर के अंदर। और चीफ सेल्स हैं जी सक्रीट पेप्सिनोजिन, ये पेप्सिनोजिन सक्रीट करते हैं, और इट हाइड्रोलाइजिस प्रोटीन इनटू द पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है जी, ये इनको तोड़ता है जाइमोजिन। अच्छा, ये वाली बात याद रखें, पेप्सिनोजिन इज सक्रीटेड बाय जाइमोजिन और चीफ सेल्स, लेकिन एक्टिवेटेड बाय वो आपने पेराइटल सेल याद रखने। ठीक है जी, अच्छा, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टमक इज, इसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी, काइम। स्टमक इज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पर्टिकुलरली स्पेशलाइज। ठीक है जी, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन है, और नेगलेजिबल एब्जॉर्प्शन भी होती है, जिस तरह कोई अल्कोहल वगैरह है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी इसमें हो जाती है।